प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया का विधानसभा में दिया हुआ एक बयान काफी चर्चा में है। अपने बयान में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की राजा भैया ने तारीफ की, जिसके बाद से उनका ये बयान चर्चा में बना हुआ है। राजा भैया ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव ने एक नियम बनाया था, ये उनकी संवेदनशीलता थी। उन्होंने कहा कि विधायक लोग अपनी निधि से असाध्य रोग और कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित लोगों की आर्थिक सहायता देंगे, बीमार लोगों को हॉस्पिटल से पर्चा के अनुसार दे सकते हैं। उस योजना के कारण बहुत से लोगों की जान बची, बहुत से लोगों को जो चिकित्सा नहीं उपलब्ध हो सकती थी वो मिली। राजा भैया ने विधानसभा में क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में आदरणीय अखिलेश जी ने एक नियम बनाया, उनकी संवेदनशीलता थी कि विधायक लोग अपनी निधि से असाध्य रोग, गंभीर रोगों से बीमार लोगों को आर्थिक सहायता हॉस्पिटल से उसका जो पर्चा आता था, एस्टिमेट बनता था, उसके हिसाब से दे सकते हैं। और उस योजना के कारण बहुत से लोगों की जान बची, बहुत से लोगों को चिकित्सा जो नहीं उपलब्ध हो सकती थी वो हुई। माननीय योगी जी ने उस योजना की उपयोगिता को देखते हुए उसको आगे बढ़ाया। आए दिन श्रीमान चुनाव होते हैं, कभी लोकसभा का चुनाव, कभी विधानसभा का चुनाव, कभी विधान परिषद का चुनाव, और जब अधिसूचना जारी होती है तो हम लोगों को अपनी निधि व्यय करने में रोक लगा दी जाती है। मेरा अनुरोध है कि आपकी तरफ से, उत्तर प्रदेश की विधानसभा की तरफ से एक अनुरोध पत्र चुनाव आयोग को जाए, विकास कार्य भले रोक दिए जाएं, लेकिन जिस भी रुग्ण व्यक्ति को, जिस भी बीमार को, कैंसर है, हार्ट डिजीज है, किडनी लिवर आदि कोई भी गंभीर बीमारी है, तो उसकी वो बीमारी वो चुनाव आयोग की अधिसूचना समाप्त होने की प्रतीक्षा नहीं करेगी। तो ये मानवीय दृष्टिकोण पर श्रीमन ये अनुरोध है, और मुझे विश्वास है कि सभी माननीय सदस्यों का की भी सहमति इसमें होगी।